हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हार्दिक चौहान और आप देख रहे हैं वेलकर एंटरटेनमेंट नेटफ्लिक्स की सीरीज जो है शी, जो एकदम घटिया सीरीज है। मैं इतना ही कहूंगा, हो सके उतना आप इस सीरीज से दूर रहिए। इस सीरीज में कुछ ऐसा खास नहीं है, फुल्ली बोरिंग। जैसे आप जानते हैं कि ये इम्तियाज अली ने इन्हें रिटर्न और प्रोड्यूस किया है, और उनके भाई आरिफ अली जिन्होंने लेकर हम दीवाना दिल जैसी फिल्म डायरेक्ट की थी, उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। और मानिए इसके या ज्यादा दो एपिसोड आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा, बाकी के 7 एपिसोड हेडेक है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस सीरीज को स्किप करके और कोई भी मूवी देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स में और कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, पर ये सीरीज मत देखिएगा। आप चाहे तो असुर देख सकते हैं, स्टेट ऑफ साइट देख सकते हैं, और कई वेब सीरीज अवेलेबल है वो देख सकते हैं, पर इसे स्किप कर दीजिए। इसमें देखने लायक है तो सिर्फ और सिर्फ मेन कैरेक्टर भूमि परदेशी की एक्टिंग और कुछ भी नहीं, और गैंगस्टर सस्या की एक्ट जो हमें सिर्फ 2 एपिसोड तक ही बांधे रखती है, उसके बाद ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ बोर करती है। ये फिल्म का नाम जैसे शी है और लगता है कि ये वुमन एम्पावरमेंट को सिंबलाइज करती है, तो ऐसा इसमें और कुछ भी नहीं है। अगर स्टोरी की बात करें तो ये एक स्टोरी एक आम कॉन्स्टेबल की, परदेशी एक आम पुलिस ऑफिसर है जो प्रोस्टिट्यूट बन के एक बड़े गैंगस्टर और नार्कोटिक्स गैंगस्टर को पकड़ने की कोशिश करती है और उसे पकड़ने में सक्सेसफुल भी हो जाती है, और कैसे वो अपनी जिंदगी को बदल देती है उसी की ये स्टोरी है। इस स्टोरी के आखिरी 3 एपिसोड तो आपको अपने बाल नोचने पर मजबूर कर देंगे, और इसका ट्विस्ट और क्लाइमेक्स आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इतना घटिया भी हो सकता है। सीरीज 2 मुझे नहीं लगता कि इसकी इतनी फ्लॉप स्टोरी होने के बाद नेटफ्लिक्स इसकी सीरीज 2 भी निकालने की या फिर हिम्मत भी कर सकता है। मैं इम्तियाज अली को सजेस्ट करूंगा कि वो रोमांटिक ड्रामा ही करे, ना कि इस तरह की क्राइम थ्रिलर करे। मैं इस सीरीज को दूंगा 1 out of 5 स्टार, और इस जैसे और रिव्यूज न्यूज अपडेट्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है हार्दिक चौहान, आप देख रहे हैं वेलकर एंटरटेनमेंट। थैंक यू।